रेवाड़ी में श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से 20वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन। विवाह समारोह में 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत कर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 20वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। मॉडल टाउन स्थित हिंदू हाई स्कूल में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में 22 गरीब जोड़ों का विवाह किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके सुखद दाम्पत्य जीवन की कामना की। मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने श्री श्याम सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समिति की ओर से यह समाज के लिए एक अनूठी पहल है। एक साथ इतने बड़े स्तर पर गरीब जोड़ों की शादी करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे न केवल धन की बचत होती है अपितु समाज में भी अच्छा संदेश जाता है। इस दौरान दोपहर के समय दुल्हों की शोभा यात्रा भी निकाली गई। शोभा यात्रा को शहर के कटला बाजार से समाज सेवी नरेंद्र कुमार लुगानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ शहर की मुख्य बाजारों से होती हुई विवाह स्थल मॉडल टाउन हिंदू स्कूल पहुंची। शाम के समय श्री श्याम बाबा का कीर्तन और वरमाला का कार्यक्रम हुआ। इसके बाद एक साथ सभी जोड़ों के फेरे करवाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विदाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में एक साथ 22 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। ट्रस्ट के चेयरमैन रामकिशन अग्रवाल गंडाला वाले ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल ने शिरकत की। समारोह की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव ने की। कार्यक्रम में समाज सेवी रामकिशन गुप्ता भालकी वाले, उद्योगपति संदीप जैन ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। इस मौके पर ट्रस्ट के प्रधान प्रवीण अग्रवाल, रिपुदमन गुप्ता, विनयशील गोयल, नगर पार्षद भूपेंद्र गुप्ता, पूर्व पार्षद एडवोकेट बलजीत यादव, नितेश अग्रवाल, दुर्गादत्त गोयल, सज्जन हलवान, पार्षद प्रवीण चौधरी शालू, पार्षद दीपक सैनी सहित गणमान्य लोग और बड़ी संख्या में वर वधु पक्ष के लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि श्री श्याम सेवा समिति 20 सालों से यह पुनीत कार्य करती आ रही है। बता दें कि अब तक संस्था की ओर से 419 गरीब जोड़ों की शादियां करवाई जा चुकी है। इस समारोह का संपूर्ण खर्च, दहेज में दिए जाने वाला सामान आदि सब श्री श्याम सेवा समिति द्वारा वहन किया जाता है। आप लोग वहां जाके बैठ जाएं, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाऊ महबूब मंत्री जी, जन स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा, सभी साथी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और पुष्पीय वर्षा हमारे अतिथियों पर करते हुए आप भगवान खाटू नरेश श्याम प्यारे के आगे भगवान श्री के चरणों में ज्योति प्रवाहित करें। सही है, सही करते हुए कहना है क्या भाई, थोड़ा सा आप पीछे हो जाओ, वो पीछे वाले भी आ जाएंगे।
जिनकी फोटो हो जाए वो बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। सभी इससे मेरा निवेदन है जिनकी फोटो हो जाए बैठ जाए सभी से सभी और आगे देखो हमारे जिला अध्यक्ष महोदय श्री उत्तम सिंह जी को समर्पित भेंट करें और प्रसाद भेंट करें। शाम कमेटी रेवाड़ी द्वारा जो सामूहिक विवाह का प्रोग्राम आयोजन किया है इसके लिए मैं श्री श्याम कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस तरह साथी श्री रामकृष्ण जी बच्चों की शादियाँ करवाते हैं सर आ जाओ एक बार सर पर माँ बाप का साया नहीं है या गरीब प्रार्थना करूँगा जो माँ बाप अपना शादी का खर्चा वहन नहीं कर पाते उन लोगों की बच्चों की शादियाँ ये करवाते हैं इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। और जो आज अपने नई दंपत्ति जीवन का शुरुआत कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ जो अपने जीवन में सफल रहे और शादी का जो भी सामान जरूरत बड़े सुंदर तरीके से इतना सुंदर परिचय करवाया श्री दुर्गाधर जी गोयल जी राष्ट्रीय सचिव एवं प्रदेश। आज श्री श्याम सेवा समिति रेवाड़ी द्वारा ये सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है तो इसके लिए मैं श्री श्याम सेवा समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको नए वर्ष की मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज इस प्रोग्राम में मंच पर मेरे साथ उपस्थित हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष श्री उकम सिंह यादव जी श्री राम किशन जी चेयरमैन श्री मनोज गोयल उप प्रधान श्री शरद गोयल सचिव श्री सतीश अग्रवाल जी श्री दीपक अग्रवाल जी पार्षद श्री गोविंद अग्रवाल कोषाध्यक्ष श्री राजीव गोयल जी श्री बलजीत यादव जी और सभी दूर दूर से आए हुए जो जोड़े हैं उनको और उनके जो साथ आए हैं उन सभी को यहाँ पर उपस्थित उनको भी आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। क्योंकि जिस तरह से मेरे को बताया गया कि अब तक 419 जोड़ों की शादी अब तक ये करवा चुके हैं और आज ये 20वां सम्मेलन है और ये ऐसे बच्चों की शादियाँ करवाते हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया ना हो जो गरीब हो जो उनके माँ बाप उनके शादी का खर्चा वहन नहीं कर सकें तो ऐसा शुभ काम ऐसा परोपकारी काम जो ये लोग कर रहे हैं बहुत ही परोपकार का काम है और हम सब लोगों को भी समाज के अंदर जिनको भगवान ने कुछ दिया है वो अपनी नेक कमाई में से इस तरह के काम में ज़रूर सहयोग करें मेरी ये अपील है। और जो नया आज जीवन शुरू करने वाले हैं नव दंपति के रूप में उन सबको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके सफल जीवन की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इनका जीवन अच्छा रहे। और आज मुझे मैं देख रहा था कि इनके मन में कोई ऐसा वो नहीं रहेगा मलाल नहीं रहेगा कि भाई अगर हम भी रईस परिवार में पैदा होते तो हमारी शादी भी ऐसे होती तो आज रईस परिवारों की तरह शादी इनकी हुई है। और मैं देख रहा था उधर से आते आते तो जो सामान मैं देख रहा था वो सारे सामान जो एक गृहस्थी चलाने के लिए जो सामान चाहिए वो सारा सामान भी इनको दिया गया है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि इनको किसी तरह की कोई तकलीफ या कठिनाई अपना जीवन शुरू करने में नहीं होगी। तो मैं आज दोबारा से इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और समिति को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे भी इस तरह की सेवा करते रहें। और मैं भी आज ऐसे मेरे डिस्ट्रिक्ट क्रिएटिव कोटे से 11 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
ये हमारा 20वां सामूहिक विवाह समारोह सम्मेलन है। इससे पहले हम 19 बार करवा चुके, ये प्रोग्राम उसमें 419 जोड़ों का हुआ है। अब की बार ये 22 जोड़े हैं। ये सब व्यवस्था पूरे शहर के तन मन धन के सहयोग से होती है। इसमें रिक्शे वाले का योगदान भी होता है, उतना एक मजदूर का योगदान है, उतना ही शहर के लखपति और करोड़पति का योगदान है। सबका प्यार स्नेह सब कुछ मिलता है हमें। ये प्रेरणा हमें मिली, एक बार जागरण किया था 2003 में, तो हमने 5 लाख रुपए लगाए थे। लखा सिंह जी को बुलाया था, मैंने क्या फायदा 5 लाख रुपए शहर के से इकट्ठा करके लेके आए और हम 5 लाख रुपए खर्च करें, इससे बड़े तो ना कोई सामाजिक धार्मिक कार्य किया गया है। तो उसके बाद से हमें बाबा श्याम ने प्रेरणा दी और हमने ये गरीब बच्चों की शादी का लीला उठाया। जब से ये संस्था चल रही है तभी से मैं श्याम सेवा समिति का चेयरमैन हूँ और बाबा के सहयोग शहर के प्यार से ये संस्था दिन रात उन्नति कर रही है शहर के प्यार सहयोग से। तो मैं तो चाहूँगा कि मैं रहूँ या 2-4 साल 2 साल से रहूँ, लेकिन संस्था सारी हमेशा खड़ी है। वो तो हो गया, तो क्या कुछ हमें संदेश देना चाहेंगे कि हर आदमी को इस काम में आगे बढ़ कर के आगे आना चाहिए और ऐसे आयोजन हमारी संस्था कर रही है और लोगों को भी लीला उठाना चाहिए और गरीब की ऐसा आदमी की मदद करनी चाहिए। एक बेटी जिसके पहले बेटी होती है उसको 400 रुपये देते हैं और जो पुराना जोड़ा जिसने यहाँ शादी की है वो अगर आता है उसको कपड़े वस्त्र वगैरह सब चीज़ दे के 1100 रुपये देते उसको सम्मानित किया जाता है। मुकेश जी डॉक्टर बनवारी लाल जी हैं और विशेष अतिथि अपने कार्यक्रम की अध्यक्षता गुरुनाथ जी कर रहे हैं। विशेष अतिथि रामकृष्ण जी भालखी वाले हैं और दूसरे संदीप जी जैन हैं, उनके यहाँ घर में भाई की मृत्यु के कारण वो नहीं आ पाए। जब के उसमें काउंसिल भी आते हैं, हमारा एक ही संदेश है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है हमारा। इसलिए लोग नहीं करेंगे, बेटी को जन्म देंगे, पहले बेटी का जन्म होने पर हमें 400 रुपये संस्था।